हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं नीतू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने ही चैनल में। और यहां पे मेरी जो व्लॉग की आज स्टार्ट हुई है 10 बजे से, अभी टाइम 10 बज चुके हैं और मैं बना रही हूं यहां पे खाना। तो दाल चावल मेरा जो है कि बन गया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। तो आज ना मैं सब्जी बना रही हूँ करेले का भरौवा। बहुत दिनों के बाद जो है कि अंकुश के पापा करेला लेके आए थे, और तो अंकुश के पापा को और हमको ना ज़्यादातर हम लोग करेला का भरवा ही खाते हैं। भुजिया वगैरह तो हमारे घर बहुत कम ही बनता है, भरवा ही बनता है ज़्यादा करेले का। और यहाँ पे दाल भी हमारी बन गई है, तो दाल को अच्छे से मिला करके और उसको अभी हमको छौंकना है। और चावल जो है कि हम इंडक्शन पे बना लिए हैं। इधर से ना हमारा इंडक्शन जो है कि उसका बटन जो है ना काम ही नहीं हो रहा है, तो आधा चावल मैं इंडक्शन पे बनाई हूँ और आधा गैस पे बनाई हूँ। तो मेरा इंडक्शन ना खराब हो चुका है, उसको जो है कि दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे अंश आज घर में है, यानी कि तीनों बच्चे घर में है क्योंकि छुट्टी है। और ये जो वीडियो है ना, ये शनिवार की वीडियो है। शनिवार के शाम को हम बनाए थे चाट, जो कि आप सभी ने वीडियो देखे थे। तो ये वीडियो दिन का है और वो वीडियो जो शाम की थी हमारी, जो आप सभी ने देखा था। तो ये वाली वीडियो हम सोचे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो दाल को छौंक देती हूँ और मसाला का जो तैयारी है ग्रेवी के लिए वो हम कर लिए हैं। और करेला में हम जो है कि भर देंगे और उसके बाद इसको तलना होता है। जितना मेहनत लगता है इसको बनाने में, उतना ही खाने में भी अच्छा लगता है। और ठंड के दिनों में तो और भी अच्छी लगती है करेले का भरवा। तो इसी कढ़ाई में जो है कि हम जो है कि तलेंगे इसको। तो कढ़ाई को अच्छे से धो लेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, तेल में जब इसको तलेंगे तो मसाला जलने के कारण ना एकदम जो है कि जला जला सा लगेगा। इसीलिए कढ़ाई को धो लेंगे, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तेल, उसके बाद इसको करेले को फ्राई करेंगे हम तेल में। और खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। अब गैस को ढकेंगे नहीं, पहले हम ढके थे लेकिन अब नहीं ढकना है। तो फैमिली मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ की मेरा राशन पानी रहता है। ये किचन है, जैसे कि मैं आप सभी को बताई हूँ कई वीडियो में कि हम जो है कि रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। तो ये क्वार्टर है और ये किचन है, छोटा सा, बहुत छोटा सा किचन जो है कि दिया गया है। तो यहाँ पे हम खाना नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, गंदा होते ही रहता है, डब्बा उब्बा जो है कि फैल ही जाता है। और तो न यहाँ पे ना जब हम दीपावली टाइम पेंट किए थे ना, तो वो पेंट थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज जो है कि हम टाइम निकाल करके ये पेंट सोची हूँ कि मैं कर दूंगी थोड़ा सा किचन में ही, जो है कि यहाँ पे देखिए नीचे साइड में बचा हुआ है। तो फैमिली आज कल ना हमें वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट हो जा रही हूँ। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना, तब से हमारी जो है कि स्ट्रगल भरी जो है कि लाइफ हो गई है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ, घर का सारा काम करके थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालती हूँ और वीडियो को जो है कि अपलोड करती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत कुछ जो है कि सुनना पड़ता है घर से, और बाहर वालों का भी सुनना पड़ता है। लेकिन पता नहीं YouTube को हमसे क्या है, जो कि हमारे वीडियो को बूस्ट ही नहीं करते हैं। और मैं ना डिमोटिवेट हो रही हूँ कि इतना सारा जो है कि मैं 3 साल से लगी हूँ, लेकिन जो है कि अभी तक हमारा जो है कि चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। पर डे वीडियो डालती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा है मेरे वीडियो में। ना तो शॉर्ट में हमारे व्यूज आ रही है और ना ही लॉन्ग वीडियो में।
मैं ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और हमारी जो लाइफ है ना, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैं पहले भी बता चुकी, हमारी जो है कि स्ट्रगल भरी लाइफ हो गई है जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ। और ख़ुद के लिए इतना टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। झगड़ा हो रहा है चक्की के लिए, मूंगफली का जो पट्टी आता है ना, गुड़ मूंगफली का, उसी के लिए झगड़ा हो रहा है। बहुत दिन से रखा हुआ था और हम लोग को याद ही नहीं था। दो दो फाड़ेंगे उसको, तब तो चोट लग जाएगा, फिर रोना दोनों, ठीक ना अंकुश? आ जा गुड़ पट्टी खाने के लिए। कुछ ले का आज सब ले लिया, आप ले लीजिए, रख दीजिए। तो दोस्तों यही सब बातें थी जो मैं आप सभी को बताना चाहती थी कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ। और अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे जितने कपड़े मैं धोए थे बच्चों का, सारे को फोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद अभी जो है कि मैं वो जो मैं शनिवार को छोला बनाई थी ना, पापड़ी चाट, तो वही छोला जो है कि बचा था मैं फ्रिज में रख दी थी। और ये जो वीडियो है आलू टिक्की चाट की, ये वीडियो है संडे की, तो मैंने इसी में एडिट कर दी हूँ। तो शाम के टाइम में आलू टिक्की जो है कि चाट बना के अपने बच्चों को खिलाई हूँ। मेरा हमेशा से यही सोच रहता है कि मैं अच्छे अच्छा, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है ना, मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चे को, अपने परिवार को बना के खिलाऊँ। और तो ना मैं ज़्यादा ही चाट बना था, आप सभी ने देखा था, तो मैं एक टिफिन रख दी थी फ्रिज में, और चाट तो बहुत अच्छी बनी थी। और आज ना मैं आलू टिक्की चाट बनाई हूँ। तो अभी बच्चे के लिए प्लेट लगाएंगे, अंकुश के पापा अभी नहीं है घर में, तो तीनों बच्चों को पहले प्लेट लगा के दे देंगे, और जब अंकुश के पापा आएंगे फिर हम दोनों जो है कि खाएंगे। और यहाँ पे तब तक बच्चों के लिए लगा देते हैं, बच्चे तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, चाट वगैरह खा करके बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। क्या आपके बच्चे खुश होते हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा। बच्चे को तो खुश होना ही है, क्योंकि अगर इतना अच्छा अच्छा खाना घर में मिले तो फिर बाहर का खाना क्यों खाएं बच्चे लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं ना चाट को गरम कर दी थी, छोला को, उसके बाद ना मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तीनों बच्चों के लिए। और ना ये सरप्राइज था तीनों के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं चाट जो कि रखी हूँ और आलू टिक्की चाट आज बना के खिलाने वाली हूँ, तो इन लोगों को पता नहीं था, अचानक से सरप्राइज दे दिए थे, तो ये लोग बहुत बहुत खुश हो गए थे। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती सब चीज़ को हम डाल देते हैं, दही को भी डाल देते हैं। और उसी दिन से ना हमें सर्दी हो गई थी, और आज है मंडे, तो मंडे को ये वीडियो जो है कि आप सभी के पास जाएगी। तो दोस्तों आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को बहुत प्यार और दुलार और सपोर्ट देंगे, ताकि मैं जितना भी मोटिवेट हुई हूँ ना, डीमोटिवेट हुई हूँ दोस्तों, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग ऐसा हमें डीमोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना दिनों से मैं वीडियो पर डे अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के बीच हूँ, तो आप लोग हमें डीमोटिवेट मत होने दीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। तो देखिए यहाँ बातों बातों में हमारा जो है कि टिक्की, आलू टिक्की चाट देसी स्टाइल में जो है कि सजा दिए हैं। और यहाँ पे जो है कि बच्चे लोग भी सभी देख रहे थे, अंकुश देख रहा था, बोल रहा था वाह मम्मी बहुत अच्छा दिख रहा है, अंकुश जो है कि मेरा बहुत खुश हो जाता है। तो फैमिली अब हमें जो इजाज़त दीजिए वीडियो समाप्त करने के लिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से, तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सभी हमारे जितने भी फैमिली हमारे वीडियो को फुल वॉच किए हैं, सभी फैमिली को थैंक यू दिल से धन्यवाद आप सभी को। तो चलिए एंड तक ब्लॉग को देख के ही जाइएगा। नमस्कार। और लक्ष्मी को दोनों को प्लेट दे देते हैं, और अंकुश तो वहाँ बैठ गया है अपना लेकर के। क्या हुआ अंश, क्या हो गया, क्या हुआ, आ जा।
आ जा, तो जल्दी से जल्दी से आ जा, खा के बताओ कैसा लग रहा है। एक नंबर लग रहा है। चलो चलो खा लो जल्दी। देखो बिना टीवी स्टार्ट किया ना ये तो खाएगा ही नहीं, जब तक ये टीवी ऑन नहीं करेगा। क्या टमाटर है? कौन? ये आलू है, आलू आलू है।